हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एमबी ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। स्वागत आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे होंगे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे इस चैनल के एविड फॉलोअर होंगे, बहुत सारे बच्चे हमें पहली बार देख रहे होंगे। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। ये मैं वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये January 2019, और अभी मेरे ख्याल 250 से ज़्यादा वीडियोज़ होंगे क्वांट DILR वर्बल वोकैबुलरी डेवलपमेंट, क्रिटिकल रीजनिंग, कंटेंट डेवलपमेंट सेशन जो आपको GDPI के लिए चाहिए, और इंटरव्यू के क्वेश्चंस, इंटरव्यू स्पेशली पजल वाले क्वेश्चंस। फाइन, और अब GDPI के और वीडियोस वहाँ पे उसमें आ रहे हैं क्योंकि अब सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। आप में से वो सारे के सारे बच्चे जो अलग अलग एमबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कैट, जैट, IFT, मैट, CMAT, NMAT और अलग अलग एमबी एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा जॉब रिलेटेड एग्जाम्स, बैंक, SSC, कैंपस, रेलवे, FCAT या फिर इवन GRE, GMAT के, उन सारे बच्चों को बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। बस एक ही प्रीरिक्विजिट है, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। आप इंडिया में कहीं पर भी होंगे, मेरा आपको प्रॉमिस है आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट जरूर मिलेगा। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने फिर से एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा हुआ है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि DS अगर आप साथ बनाते चलेंगे क्वांट के, तो आपको बढ़िया बूस्ट मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और साथ के साथ आपका क्वांट बहुत अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है DS का, और ये क्वेश्चन स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है कैट, जैट और GMAT के लिए। इन तीन एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे होंगे तो भी बनाइएगा, कंसेप्चुअल साउंडनेस आएगा बढ़िया आपको। DS मतलब डेटा सफिशिएंसी, इफ़ X³ इज लेस देन X² व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीजर X, ये रहा स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। जब मैंने ये बोला तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा, उसमें आप देखेंगे तो डायरेक्शन में लिखा होगा। आप A कब मार्क करेंगे जब सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, B मार्क करेंगे जब सिर्फ सेकंड, C आप तब मार्क करेंगे जब दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने से आंसर आ रहा है, D इंडिविजुअली दोनों से आंसर आ रहा है, E जब दोनों से आंसर नहीं आ रहा है। इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, डायरेक्शन को फिर से पढ़िएगा, क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को बना के देखिएगा। जब आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे और उसके बाद डिस्कशन सुनेंगे, तब आपको बहुत मजा आएगा और तो आपको समझ आएगा कि ट्रैप कहाँ पे फंसते हैं हम लोग। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने क्वेश्चन को बना के देखा और अब सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। हर बार मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि DS का मतलब, सारे बच्चे इस बार बता दो मस्त, यूनिक सोल्यूशन। DS स्टैंड फॉर दिस, व्हाट यू वॉन्ट इज यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पे लिखा हुआ इफ X³, जब ऐसा कभी लिखा होता तो आपको क्या दिखना चाहिए? सर मुझे ये चीज़ दिखनी चाहिए, जब ये लिखा होता ना कि X³ इज लेस देन X² तो बड़ा पावर जो छोटे पावर से कम है, एंड व्हाट काइंड ऑफ बड़ा पावर, ऑड बड़ा पावर, दिस इज इवन पावर। सो बड़ा पावर छोटे पावर से कम है तो इसका एक ही डिडक्शन, मतलब ये जो डिडक्शन होते हैं इसका डिडक्शन ये पॉसिबल है। क्या क्या डिडक्शन इसके पॉसिबल है? पहली चीज, या तो आप ये बोल दीजिए कि X क्या है, नेगेटिव है। एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आए, सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल रख के देखते हैं। -2 रख लो ना, तो आप -2 रख दिए, ये रहा -2³ लेस देन -2² दैट इज -8 इज लेस देन 4। यस, दिस मेक सेंस। सेकंड, आप ये भी हो सकता है कि X क्या हो, पॉजिटिव फ्रैक्शन हो। मैंने लिखा है यहाँ पे P/Q, अग्री करते हैं? कैसे? 1/2³ लेस देन 1/2² तो ये हो गया 1/8, 1/4। फैबुलस, यहां तक ही हम लोगों ने दो चीजें डिड्यूस कर लिया। अब आगे सुनिएगा, अब क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू। याद कीजिए, मैंने आपको पहले भी DS में बोला है, हमेशा दो चीजें देखिए कि आपको वैल्यू निकालने की जरूरत है या यस नो से आपका काम चल जाएगा। यहां पर उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू पूछा है। इस बार तो वैल्यू निकालना पड़ेगा भाई, और कितना बढ़िया फ्रेमिंग किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटीजर एक्स। एक्स जो इंटीजर है उसकी वैल्यू, उसका मतलब क्या हुआ, द मोमेंट दे हैव रिटन दिस वर्ड इंटीजर, उन्होंने इसको नल एंड वॉइड कर दिया। अग्री करते हैं भाई? तो यहां पे हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ एक्स की नेगेटिव वैल्यू। सच अ ब्यूटिफुल फ्रेजिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया फ्रेज किया उन्होंने, फ्रैक्शन को हटा दिया। अब आते हैं, एक्स नेगेटिव है तो क्या आप x की वैल्यू निकाल पा रहे हो, ये पूरा का पूरा प्रश्न है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, मॉड ऑफ x लेस देन 2। आप में से वो बच्चे जो इस मॉड को पहचानते होंगे, या वो बच्चे जो मॉड मैंने पहले कई बार बताया, मॉड वो भी वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा भाई। जब भी कभी हम लोग लिखते हैं मॉड x, तो इसकी वैल्यू तो दोनों होती है ना। इसकी वैल्यू x होगी जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, -x होगी जब इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगा। अग्री करते हैं भाई? तो यहां पर तो दोनों केस आ जाएगा, इसलिए आप यहां पे कैसे बोलोगे, x की वैल्यू लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2। अग्री करते हैं अभी? और x अभी तो
आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। जैसे कि एक्स की वैल्यू लेस देन टू, पहले आप इसको ग्राफिकली देख लीजिए, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया माइनस वन और ये हो गया माइनस टू। ठीक बात है भाई। चलिए यहाँ से यहाँ तक के देखते हैं, प्लस टू से छोटी वैल्यू मतलब प्लस टू से छोटी वैल्यू और माइनस टू से बड़े, यहाँ हम बोल रहे हैं कि एक्स की वैल्यू ये, कोई भी एक वैल्यू उठा लो ना, एक्स की वैल्यू रख दो वन, वन रख देंगे, करेक्ट है, टू से छोटी, एक्स की वैल्यू रख दो माइनस वन, हाँ ठीक है, एक्स की वैल्यू में से कोई फ्रैक्शन ले लो, ये भी ठीक है, ठीक है भाई, टू को छोड़ के माइनस टू को छोड़ के, एब्सोल्युटली फाइन। तो अगर हमको ये दिया हुआ है और हमको साथ में क्वेश्चन में ये पता ही है कि एक्स नेगेटिव है और एक्स इंटीजर है, तो क्या हम इस पोजिशन पर हैं कि एक्स की वैल्यू बता पाए? नेगेटिव भी है तब तो जीरो, वन, टू ये सब नहीं होगा, तो फिर इंटीजर में क्या क्या बचता है? माइनस वन, लेकिन माइनस टू के लिए तो मना किया गया, तो और तो कुछ बचता ही नहीं यार, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशियंट है आंसर देने के लिए? यस इंडीड इट इज सफिशियंट, और अगर ये सफिशियंट है तो आंसर हो जाएगा या तो ए या तो डी। दोबारा देखिए, फिर से बताता हूं, यहां पर बोला गया था मॉड एक्स इज लेस देन टू, मॉड एक्स वेरिएबल है, इसका डेफिनेशन कैसे होता है? पॉजिटिव एक्स कब? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो। तो यहां तो दोनों केस आएगा, तो एक पहला केस जब आप लोगे एक्स ग्रेटर देन जीरो तो आ जाएगा एक्स लेस देन टू, जब ये ले लोगे आप एक्स लेस देन जीरो है मतलब आ जाएगा माइनस एक्स तो आ जाएगी वैल्यू ग्रेटर देन माइनस टू। तो इस रेंज में इसके साथ, ये तो एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन, इसके साथ हमारे पास ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन है एक्स नेगेटिव है और साथ के साथ इंटीजर भी है, तो नेगेटिव है तो जीरो नहीं हो सकती वैल्यू, वन नहीं हो सकती, टू नहीं हो सकती, तो माइनस वन माइनस टू, लेकिन बोला गया ना माइनस टू से बड़ी वैल्यू, तो एक ही वैल्यू तो बचती माइनस वन, करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट से तो आंसर आ रहा है, तो या तो ऑप्शन हो जाएगा ए या तो डी। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स, और भूलिएगा मत यहां पर भी एक्स जो है वो नेगेटिव है और साथ के साथ इंटीजर है। तो एक बात है, ये अगर ऐसा है तो अगर मैं नंबर लाइन ये ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए, ये मैंने ले लिया जीरो, पॉजिटिव वैल्यू का क्या ही करेंगे, हटाइए माइनस टू और बाकी नेगेटिव वैल्यूज, एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे सोचते हैं, इंटीजर है ठीक है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो ये कब पॉसिबल है? ये तो एक ही कंडीशन है पॉसिबल है, जब एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो गुड इनफ टू गिव द आंसर, यस इससे भी आंसर आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन थे ए और डी, तो वॉट इज द आंसर? डी, डी इज द करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर है यहां तक के? बढ़िया, अच्छा छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छा मजा आया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको मजा आया कि नहीं। आपको एक असाइनमेंट भी देता हूँ, आपको असाइनमेंट क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, असाइनमेंट क्वेश्चन इज ए इंटू बी, ए इंटू बी ये रहा लेस देन जीरो, और पहला क्वेश्चन दिया गया ए इंटू बी स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया बी स्क्वायर इज लेस देन बी, फाइन। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे नीचे डिस्प्ले भी हो रहा होगा, डायरेक्शन सेम है जो उसके पहले थी, तो आपको मार्क करना है ए बी सी डी या फिर ई। आपका जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो करेक्ट आंसर दे पाते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको भी देखेंगे फिर, फाइन। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आप में से वो सारे के सारे बच्चे जो कैट 2019 या बैंक अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, ये जनवरी का मंथ है, जीडीपीआई का सेशन समय शुरू हो चुका, अब यहाँ से जीडीपीआई जनवरी 2019, तो यहाँ से जीडीपीआई सभी चीज़ों की तैयारी शुरू होगी, तो आप देखे होंगे स्टार्टिंग में एमबी ट्रेनर का नंबर है, इस वीडियो के नीचे भी लिंक दिया होगा, उसमें नंबर दिया होगा एमबी ट्रेनर का, तो हमारे जो जीडीपीआई का बैच है, आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर जीडीपीआई का कंप्यूटर ऑनलाइन बैच भी है क्या? यस, जीडीपीआई का ऑनलाइन बैच भी है, क्लासरूम प्रोग्राम भी, इसके अलावा कैट 2019 का क्लासरूम बैच और लाइव क्लास, आप इंडिया में कहीं पर भी होंगे आप चाहे तो मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से कैसे भी पढ़ सकते हैं, आपको बस वो लाइव क्लासेस रहेंगे तो आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये बैच भी शुरू होगा जनवरी में, उसके अलावा फरवरी में भी। तो मैं सौरभ ठाकुर यहाँ पे विदा लेता हूँ आपसे, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।